हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज है ना, बड़े दिनों के बाद बारिश शुरू हुई। 3-4 दिन के बाद तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ गर्मी थी, लेकिन आज है ना गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई वापस। ये देखो मेरे पीछे काले काले बादल, मैं भी काला हो गया बादलों की वजह से। ये देखो, इधर से आ रहा है पानी। देखिए दोस्तों, कैसे काले काले बादल हैं। आज है ना 3-4 दिन के बाद बारिश हुई और गर्जना भी हो रही है बहुत तेज। देखो ऐसे मंदिर के पीछे से पानी आ रहा है। उधर पीछे तो उजाला है, लेकिन काला काले बादल। ये देखो चारों तरफ ऐसे ना बहुत तेज बारिश आ रही है। हवा भी चल रही है ना साथ में, इस वजह से। देखो इधर भी, दोस्तों अभी बारिश तेज आएगी, लेकिन है ना हवा चल रही है बहुत तेज। इधर 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 जा रहा है पानी, ये झंडी देखो, उधर हवा चल रही है ना, इस वजह से। इधर देखो कुछ भी नहीं दिख रहा खेतों में, वो पेड़ दिख रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं दिख रहा। तेज बारिश आ रही है, बढ़िया है। नहीं तो मेरे पौधों में तो है ना पानी की जरूरत पड़ गई थी, खली डाला था मैंने पानी थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये भी मैंने बाहर निकाल दिया पानी के, पानी में ना लेंगे। जाती जाती बरसात है, पता नहीं है फिर आएगी नहीं आए। देखो हमारा झंडा तो बेचारा पानी की वजह से उठ भी नहीं पा रहा। तो इधर से अब है ना वो बादल निकल गए, इधर से इस तरफ से आए, इधर होते हुए इधर निकल गए ये पूरे। देखो उधर काला काला है, उधर पानी नहीं आ रहा अभी, उधर के खेतों में ना पानी नहीं आ रहा दोस्तों। वो देखो ये देखो, इधर पानी नहीं आ रहा, साफ है। और इधर तो बहुत तेज आ रहा है, ये देखो इधर से आई है बारिश, इधर नहीं आ रहा। देखो कैसे पानी आते पौधों का कलर ही चेंज हो जाता है। ये देखो, नहीं तो बहुत तेज धूप पड़ रही थी 2-3 दिन से। हो गई बहुत तेज बारिश शुरुआती से। देखो हमारी तो है ना पूरी छत ही काली हो गई बरसात है। देखो बहुत तेज पानी आ रहा है, अभी इधर निकलेगा यही इस तरफ खेतों की तरफ जाएगा। इधर अभी खेतों में पानी नहीं है। सारे पौधे अंदर रखे थे ना, मैंने बाहर निकाल दिए नहाने के लिए, क्योंकि तो बारिश के पानी से अच्छा हो जाएगा ना, इस वजह से। अभी तक नहीं पहुंची इधर पानी। देखो इधर के खेतों में बिल्कुल भी छींटे नहीं है। ये गांव ये सामने पेड़ है ना, इसके बाद उधर पानी नहीं है। नहीं तो दिख जाता है पानी इधर का, दिख रहा ना अभी बिल्कुल। वो पास वाला गांव नहीं दिख रहा, वहाँ पे ना एक गांव है सिंधपुरी, तो वह दिख नहीं रहा, दिख जाते हैं नहीं तो वो गांव। दोस्तों अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन अब छींटे आ रहे हैं। 3 बजे के बाद की है ना ऐसी तेज बारिश हुई गजब की, लेकिन अभी तो है ना कम हो गए, छींटे आ रहे हैं, रुकी नहीं। लेकिन 3 बजे के बाद की पानी बारिश नहीं रुकी। देखो बादल हो रहे हैं ऊपर बहुत तेज, तो अब वापस बारिश का दौर शुरू हो गया। तो अब 1-2 दिन लगातार आएगी, फिर धूप निकलेगी, फिर गर्मी होएगी, ऐसे चलता रहेगा। तो है ना धूप निकली ना तो फसलों के लिए अच्छा हुआ, नहीं तो है ना सोयाबीन के फूल आने लग गए थे। अगर धूप नहीं निकलती ना तो वह गिर जाते, मतलब ख़राब हो जाते। अभी भी
ज़्यादा बारिश आएगी ना तो फिर ख़राब होने के चांस रहेंगे। बढ़िया है धूप निकले आए तो 2-5-8 दिन, फिर बारिश आ जाएगी ना तो फिर उनके जो फलियाँ आएंगी फिर उसमें दाने पड़ेंगे ना तो वो फूल जाएंगे। लेकिन ये बारिश हर बार ऐसे ही करती है, पहले तो बहुत बारिश होती है और फिर बाद में ना एक पानी के लिए ना चली जाती है, तो वो है ना सोयाबीन के दाने नहीं पक पाते, फूल नहीं पाते, तो फिर छोटी छोटी रह जाती है। तो और बारिश से ना सारे पौधों का कलर भी चेंज हो गया, 2-3-4 दिन में आई थी तो बहुत धूप पड़ी थी 3-4 दिन तक, तो ऐसे ना धूप में भी नहीं निकल सकते जैसे मई जून में पड़ते हैं ना, वैसे धूप पड़ी थी। तो दिखाता हूँ अभी आपको के कैसे सुंदर लग रहे हैं सारे ग्रीन ग्रीन से, सारा वातावरण अच्छा हो गया प्रकृति। वो देखो वो कौवा भी उड़ रहा है, ये देखो सारे पौधे बढ़िया ग्रीन ग्रीन से हो गए और पक्षी भी बोल रहे हैं सुबह शाम, तो है ना पक्षियों की ऐसी सुंदर सुंदर आवाज़ें आती है। सुबह तो सब अपने अपने घोंसले से दाने खाने के लिए जाते हैं और शाम को वापस अपने घोंसले में आते हैं। तो ये देख के मेरे पौधों का भी कलर चेंज हो गया, और मैंने ना ये सारे पौधे अंदर रखे हुए थे, इधर रख दिए थे मैंने तो बाहर निकाल दिए बरसात में नहाने के लिए। तो देख के अभी भी है ना ये छींटे आ रहे, पूरी छत ऐसी काली हो गई बरसात की वजह से, लगातार बरसात हो रही है ना इस वजह से। देखो सब तरफ ग्रीन ग्रीन सा अच्छा लग रहा है, देखो पक्षी भी उड़ रहे हैं। वो वहाँ सामने वो दिख रहा है ना कामी कलर का केसरिया रंग का, वह है ना हमारे गांव के हनुमान जी है, खेड़ा के हनुमान जी, वह खेतों के अंदर है उधर। बहुत सारे हनुमान, 3-4 हनुमान जी का मंदिर है, 4 है हमारे गांव में चारों दिशाओं में। देखो बहुत सारे पौधे हैं हमारे गांव में, पेड़ भी बहुत सारे हैं। ये देखो ये पौधे दिख रहे हैं ना, ये पीपल है, बहुत पुरानी पीपल का पेड़ है, देव जी का बाग है वो, वहाँ पे लगे हुए नीम के पुराने बहुत पुराने, और पीपल है वो, दो पीपल है ऐसी कैसी है उसके साइड में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो कमेंट्स करके बताना कि कैसी लगी मेरी वीडियो, ऐसी बारिश की वीडियो 2-4 दिन के बाद आए ना तो बहुत अच्छी लगी बारिश, लेकिन रोज़ाना होती है ना तो अच्छी नहीं लगती, धूप भी नहीं निकलती वैसे, थोड़ी सी धूप निकल आती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। देखो मेरे पीछे मेरा टेरिस गार्डन है, तो मैंने ना अभी थोड़े बहुत पौधे लगा दिए, बारिश हो रही ना तो रात भर में अच्छे हो जाएंगे और फिर बचे कुछ है ना कल लगा देंगे। तो मोर खा जाते हैं, लगा तो देता हूँ मैं दाने डालने नहीं आता ना, भूल जाता हूँ ना, तो मोर आता है और पूरे पौधे को टच टच करके ऊपर ऊपर के खा जाता है। कल भी आया ना तो ऐसे बढ़िया हजारे के पौधे हो रहे थे तो उनको खा गया, तो फिर मैंने दाने डाले ये वाले है ना, ये वाले खा गया था, भगा दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, राधे राधे।